गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथान ऑनलाइन क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा था वाटर रिसोर्सेज, जिसमें हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने पढ़ लिया था भाकर नांगल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो वेस्ट बंगाल और झारखंड का जॉइंट वेंचर है, और ये जो है वो दामोदर जो रिवर है उस पर तैयार किया गया है। दामोदर रिवर जो है इसे बंगाल का सरो कहा जाता है, क्योंकि इसके थ्रू जो है हर साल वहाँ पर फ्लड की सिचुएशन बनती है। ये रिवर फेमस है अपनी इरेगुलर अपनी बहाव के कारण, अपने इरेगुलर जो है वो फ्लो के कारण, इसके अलावा फ्लड की सिचुएशन क्रिएट करने के कारण और सोयल इरोजन के कारण। ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जो है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल का जॉइंट वेंचर है। सो जो रिवर है दामोदर रिवर जो है वो छोटा नागपुर के ईस्ट साइड से फ्लो होती है 290 किलोमीटर तक, और वेस्ट बंगाल और जो सॉरी बिहार और झारखंड जो है यहाँ से फ्लो होती है, और 240 किलोमीटर जो है वो वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है। इस रिवर्स की तीन जो है वो ट्रिब्यूटरी है, वो ट्रिब्यूटरी है बोकारो, कोनार, और यहाँ मैंने जैसे बताया हुआ है एक कोनार, बोकारो और बाराको, ये थ्री जो है वो ट्रिब्यूटरी है। और इस ट्रिब्यूटरी के कारण, इन ट्रिब्यूटरीज के कारण ही बहुत बड़ा एरिया जो है वो इफ़ेक्ट होता है। लमसम 18,000 का एरिया जो है, किलोमीटर एरिया जो है इफ़ेक्ट होता है सोयल इरोजन के कारण। वेस्ट बंगाल के अंदर इसकी वजह से होने वाली जो खामियां हैं उससे, उसके लिए एक जो है वो वेंचर, एक कॉरपोरेशन चलाया गया है DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ताकि गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं ताकि इसके इफ़ेक्ट को जो है वो कम किया जा सके। ये जो कॉरपोरेशन है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके फॉर्मेट से चलाया गया है। उसका एक कॉरपोरेशन है टेनिस वैली कॉरपोरेशन, उसके जॉइंट वेंचर से जो है इसको चलाया गया है। इसके थ्रू जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वेस्ट बंगाल के अंदर जो है इकोनॉमिक डेवलप लाया जा सके, और जो लोकल रेजिडेंस है, जो लोकल लोग हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है वो पहले से सुधारा जाए। इसी वजह से जो है वो यहाँ पर ये डैम्स तैयार किए गए हैं। ये डैम्स के नेम मैंने आपके लिए लिखे हैं, देखिए मैथोन और बालफारी डैम तैयार किया है बाराकोर रिवर के ऊपर। नेक्स्ट है बोकारा डैम तैयार किया गया है बोकारा रिवर पर। कोनार डैम तैयार किया गया है कोनार रिवर पर। और आगरा और बारमो डैम, इसके अलावा बालाफारी 8 डैम तैयार किया गया है दामोदर रिवर पर। इसके अलावा जो है इस रिवर के थ्रू 3 पावर प्लांट्स भी जो है वो तैयार किए गए हैं। वो पावर प्लांट कहाँ तैयार किए गए हैं? दुर्गापुर बैरेज पे। कौन कौन से पावर प्लांट हैं? बोकारो पावर प्लांट, चंद्रपुर पावर प्लांट और दुर्गापुर पावर प्लांट। इसी के साथ जो है वो 25 किलोमीटर तक जो है वो कैनल सिस्टम तैयार किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट आता है वो है हीराकुंड प्रोजेक्ट। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है ये ओडिशा के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो स्टार्ट किया गया है, और ये जो है वो महानदी रिवर पर, जो ओडिशा सोरो कहा जाता है जिसे, जिसके कारण ओडिशा में हर साल मानसून सीजन पर में फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होती है। और जब मानसून सीजन नहीं होता है उस दौरान वहाँ जो है वो फेमाइन और ड्रोट की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है इस रिवर के थ्रू। तो इसी वजह से जो है वो संबलपुर से, ओडिशा के संबलपुर से 14 किलोमीटर अवे जो है वो ये जो दामोदर प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने जो है क्रिएट किया है। इस जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 68 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस पर लगाए हैं, इस पर खर्च किए हैं। और ये जो है इसकी लेंथ जो है वो 4,801 मीटर है। ये रिवर जो है, ये प्रोजेक्ट जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है। जैसे भाकरा नांगल जो था वो सबसे हाईएस्ट प्रोजेक्ट था, और ये सबसे लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी है कि ये 810 जो है क्यूबिक मीटर वाटर को स्टोर करता है, इसको इतना वाटर जो है वो स्टोर करता है। इस भी हीराकुंड डैम पे भी, हीराकुंड प्रोजेक्ट के तहत भी कई डैम्स तैयार किए गए हैं, जिनमें से मेन देखिए 2 डैम्स बताया हुआ है। फर्स्ट है टिकारपाड़ा और नेक्स्ट है नाराज, दोनों के दोनों जो है वो हीराकुंड डैम पे तैयार किए गए हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि ये जो हीराकुंड डैम जो है, हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है 2 फेजेस के अंदर कम्प्लीट हुआ, जिसमें फर्स्ट फेज में
हीराकुंड के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो दो कैनल्स तैयार की है, एक तो बोराड़गढ़ कैनल जो कि सीसेन के राइट साइड है और एक संबलपुर कैनल सिस्टम जो है वो तैयार की गई है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो फोर जो है वो पावर इलेक्ट्रॉन हाइड्रो पावर जो है वो तैयार किए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर जो है वो तैयार किए गए हैं। तो ये आपके दो प्रोजेक्ट जो है यहाँ फिनिश होते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।